यात्रियों से खचाखच भरी एक यात्री बस और सिलेंडर लदे ट्रक में आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बस के परखच्चे उड़ गए। इस भीषण सड़क हादसे में 17 यात्रियों की जान चली गई, वहीं 30 से ज्यादा जख्मी हो गए। दुर्घटना के पीछे का कारण घना कोहरा बताया जा रहा। हादसा आज सुबह का है। घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आमरापाड़ा में भर्ती कराया गया। यह हादसा पाकुड़ के आमरापाड़ा थाना क्षेत्र के सालपत्रा गांव के पास हुआ। हादसे के बाद बस के अंदर फंसे लहूलुहान ड्राइवर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। वहीं ट्रक चालक के बारे में अब तक कुछ पता नहीं चला। सीएम हेमंत सोरेन ने घटना पर गहरा दुख जताते हुए मृतकों के आश्रितों को बतौर मुआवजा 1-1 लाख रुपए देने का ऐलान किया। वहीं घायलों को बेहतर चिकित्सा मुहैया कराने का आदेश दिया है। हादसे के बाद चीख चित्कार के शोर से हर किसी का कलेजा दहल गया। खबर लिखे जाने तक ज्यादातर मृतकों की पहचान नहीं हो पाई थी। बस बरहरवा से दुमका की ओर जा रही थी, वहीं ट्रक आमरापाड़ा से लिट्टीपारा की ओर आ रहा था। आमने सामने हुई टक्कर की आवाज काफी दूर तक गई। आवाज सुन आसपास से जुटे ग्रामीण जख्मी लोगों की मदद में जुट गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल भेजा। पाकुड़ के डीसी वरुण रंजन घायलों को देखने अस्पताल गए, बेहतर इलाज के लिए डॉक्टरों से अनुरोध किया। वहीं अस्पताल प्रबंधन को निर्देश दिया कि इलाज में किसी तरह की कोई कमी ना हो, इसका पूरा ख्याल रखा जाए। मृतकों की पहचान कराने की दिशा में प्रयास जारी है। 16 की अब तक मौत की पुष्टि हुई, 15 लोग पाकुड़ हॉस्पिटल में इलाजरत हैं, 2 लोगों को बाहर लेकर गया। रेस्क्यू के लिए जो भी जैसे सूचना मिली तत्काल आमरापाड़ा थाना पर ही पहुँचे, उसके बाद PSC जो आमरापाड़ा की टीम है वहाँ पहुँची और कुछ लोगों की मदद से पुलिस बल के द्वारा लोग जो फंसे हुए थे उन डेड बॉडी को ऊपर निकाला गया, बाकी बचे लोगों को बाहर। घटना का देखिए मुख्य कारण जो कहा जाएगा वो कुहासा था। बस में जो है ट्रक ने आकर के बहुत तेज़ी से टक्कर मारी है और कुछ दूर तक घसीटे थे। ये काफ़ी जो है सो हम सभी लोगों के लिए अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, पर फिर भी जो बेस्ट हो सकता है हम लोग कर रहे हैं। कोहराम लाइव के लिए पाकुड़ से जय की रिपोर्ट।